है जहां गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा गया है। दरअसल क्यूआरटी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भरतपुर रूपवास मार्ग पर क्यूआरटी टीम की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में गौ तस्कर और क्यूआरटी टीम के बीच में फायरिंग की भी घटना घटी। कंटेनर में 30 से ज्यादा गौवंश बरामद किए गए हैं। जिस तरह तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्यूआरटी टीम के साथ गौरक्षक दल भी मौजूद था। 30 से ज्यादा गौवंश एक ट्रक में भरकर किस तरह से देखिए कि जो गौ तस्कर है वो लेकर इसको जा रहे थे, लेकिन क्यूआरटी टीम को इस बात की सूचना लगी और फौरन कार्रवाई की गई है। और भरतपुर रूपवास मार्ग पर ये क्यूआरटी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 30 से ज्यादा गौवंश भरे हुए कंटेनर को पकड़ लिया है, लेकिन रात का अंधेरा था इस वजह से कोई भी जो गौ तस्कर है वो मौके का फायदा उठाकर फिलहाल फरार हो गए हैं। उनकी कार्रवाई लगातार जारी है, उनको पकड़ने की कार्रवाई। और चलिए बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से इस बीच बताते चले, जहां पूंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है। मौके से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 3 बारूदी सुरंगें और 2 हैंड ग्रेनेड भी इसमें शामिल थे। सेना पुलिस ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि चाहे वो पूंछ हो चाहे वो बारामूला हो, लगातार यहां पर देखिए आतंकियों के द्वारा आत्मघात हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच में उन पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दरमियान जो आतंकवादी के जो ठिकाने थे वहां पर सीधे हमारी सेना पहुंची और वहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और वहां से कई सारी चीजें बरामद की गई हैं। सर्च ऑपरेशन में 3 बारूदी सुरंगें बरामद की गई हैं, 2 हैंड ग्रेनेड जो इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है वो बरामद किया गया है। यानी कि यहां पर जो आतंकी थे वो और किसी बड़ी साजिश के तहत यहां पर रह रहे थे। जो चीजें यहां से बरामद की गई हैं उनका टारगेट अगला क्या था, हालांकि वो अगले अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते फिलहाल उस पर पानी फिर गया है, क्योंकि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पूंछ में जो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। और इससे आप मान सकते हैं कि जगह जगह चाहे वो ऐसे इलाके जो आतंकियों के ऑपरेशन के लिए इजी होते हैं वहां पर सघन जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है सर्चिंग का। और इधर श्रीगंगानगर से लॉरेंस गैंग के शूटर की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे सामने आए हैं। शूटर की गिरफ्तारी के बाद यह सामने आया कि दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम की पूछताछ में पूर्व विधायक के भांजे की हत्या की साजिश की बात जैसे ही सामने आई, श्रीगंगानगर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके पीछे एक नेता के होने के आरोप भी लग रहे हैं। क्या कुछ है देखिए इस रिपोर्ट में। लॉरेंस गैंग के शूटर का खुलासा। निशाने पर थे सुनील पहलवान, नेता अशोक चांडक पर आरोप। लॉरेंस गैंग से जान को खतरा, बड़ी सुरक्षा, जवान कर रहे रक्षा। लॉरेंस गैंग का शूटर हत्या के इरादे से शहर में कदम रख चुका था। पुलिस को भनक लगी, उससे पहले हत्या कर फरार हो जाने का प्लान था। निशाने पर थे पूर्व विधायक के भांजे सुनील पहलवान। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच के चलते प्लान फेल हो गया। शूटर को हत्या करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वही पूरे मामले को लेकर सुनील पहलवान ने राजनीतिक रंजिश बताते हुए 2023 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता अशोक चांडक और उनके बेटे राघव चांडक पर लॉरेंस गैंग से संबंध रखने और उनकी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उस थ्रेट को भी मैंने सीरियसली नहीं लिया। दूसरी मेन जो बात है कि राजनीतिक द्वेषता जो है उसके कारण मुझे टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में इंटेलिजेंस टीम ने लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े हैं। इन्हीं में से एक आरोपी सुखराम श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है, जो हनुमानगढ़ का रहने वाला है, और श्री गंगानगर के पूर्व विधायक के भांजे सुनील पहलवान की हत्या करने के इरादे से शहर में ठहरा हुआ था। खबर मिलते ही श्री गंगानगर पुलिस अलर्ट हो गई।
सुनील पहलवान के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही श्री गंगानगर पुलिस की एक टीम पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है। जिनको पकड़ा गया है उनसे इंट्रोगेट करके डिटेल में क्या बात है उसके बारे में जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने ये भी कहा है कि शहर के एक नेता है अशोक चालक, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। जब तक जिनको पकड़ा गया उनको हम इंट्रोगेट नहीं कर लेंगे तब तक इसमें हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस मामले में अशोक चांडक ने सुनील पहलवान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब तक इसको दोनों लिस्टों को मिलाकर बात करें तो बीजेपी के 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक हो चुका है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास फरांदे को टिकट दिया है तो दूसरी लिस्ट एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें हैं। महायुति में शामिल बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे को 35 और एनसीपी अजीत पवार वाले गुट को 38, यानी कि 194 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक हो चुका है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत की अभी एक एक लिस्ट जारी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो दूसरी लिस्ट में 22 कैंडिडेट अभी उतारे गए हैं। दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक महिला कैंडिडेट को इस बार बीजेपी की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो टोटल दोनों लिस्टों को मिला के बात करें तो 121 कैंडिडेट अभी तक बीजेपी की तरफ से उतारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मोड पर है क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरह से उठापटक हुई थी। महागठबंधन की सरकार बनी थी, फिर वो बाद में टूटी। एमवीए की सरकार, एमवीए में जहां 85-85 का फॉर्मूला सेट हुआ है तो वहां बीजेपी में सीटों को लेकर चाहे वो शिवसेना गुट हो, चाहे वो शिवसेना की बात करें हम और चाहे हम अजीत पवार गुट की बात करें, एनसीपी की या फिर बीजेपी की, तीनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया और लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और यही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात को तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 23 नाम थे। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस की जारी 3 लिस्टों में अब तक 88 यानी 88 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी देर रात जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में आपको वो सारे नाम दिखा रहे हैं जिसपे उम्मीद जताकर और भरोसा जताकर चुनावी मैदान में और चुनावी समीकरण को साधते हुए इस बार विधानसभा में कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ये तीसरी लिस्ट आ चुकी है। 16 प्रत्याशियों का ऐलान देर रात कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में किया है और टोटल पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट को मिलाकर अब तक 88 उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस की तरफ से फिलहाल आ चुका है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई विदेश दौरा रहा। मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड होगा। देश विदेश में किस तरह से भारत देश की जो रीति है वो कितनी मजबूत हुई है उसको साझा किया जाएगा। दीपावली का त्यौहार है, उसके पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 115वां सुबह 11 बजे मन की बात, जहां पर देशवासियों को वो दीपावली की शुभकामनाएं भी देंगे, योजनाओं से किस तरह लाभ हुआ है और दीपावली को आप किस तरह से सुरक्षित और अच्छे ढंग से मनाएं, ये भी आज आपको मन की बात में सुनने को मिलेगा। और देश विदेश में जो दौरा हुआ है विदेश में उसमें भारत की मजबूती कितनी देखने को मिली है, किस विश्व स्तरीय पटल पर भारत को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, वो सारी बातें आज साझा करेंगे सुबह 11 बजे 115वां एपिसोड आज मन की बात को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मन की बात का कार्यक्रम सुबह 11 बजे है, इसलिए आप जरूर ये सुबह 11 बजे का टाइम नोट कर लीजिए जब प्रधानमंत्री शार्प 11 बजे आएंगे। और आकाशवाणी पर हमेशा से ये चर्चित प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से जब वो पहली बार देश की कमान एज अ पीएम मतलब बतौर प्रधानमंत्री संभाली है तब से 115वां एपिसोड है जहां वो मन की बात सीधे वो करते हैं देशवासियों से।
और इधर उदयपुर में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौर के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में लाखों के जेवरात, करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियां, 100 से अधिक महंगी शराब की बोतलें और कई बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। करप्शन का धन, एसीबी का एक्शन। करोड़ों का खेल, अधिकारी गया जेल। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौर के ठिकानों पर छापेमारी की। दिन भर चली इस कार्रवाई में जयमल सिंह राठौर के ठिकाने से एसीबी को लाखों के जेवरात, करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर, कई महंगी गाड़ियां और 100 से ज्यादा महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। एसीबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जयमल सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उदयपुर, भीलवाड़ा समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एसीबी ने उनके आवास, होटल, पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जयमल राठौर के घर एसीबी की टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 टीमों ने एक साथ दबिश दी थी। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर की टीमों ने सरदारपुरा स्थित जयमल राठौर के निवास स्थान, सज्जनगढ़ रोड स्थित होटल, तो वहीं कलेक्ट्री के पीछे ऑफिस और बिलवाड़ा में पैतृक निवास पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। यहां से एसीबी को न सिर्फ करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं बल्कि 119 अंग्रेजी शराब की बोतलें भी मिली है। तो वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी जयमल राठौर करते हुए पाए गए हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलग अलग टीमों द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा में गुरुवार अलसुबह कार्रवाई करते हुए जयमल सिंह राठौर, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी के 4 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया। एसीबी को जयमल के घर और लॉकर से अब तक 2 किलो सोना, 14 किलो 200 ग्राम चांदी और हीरे के आभूषण मिले हैं। अब एसीबी जयमल राठौर के परिवार से पत्नी, दोनों बेटों और बहू के बैंक खाते भी खंगालने में जुटी है। एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में जांच अभी भी जारी है। जयमल राठौर के यहां मिली सभी संपत्तियों और दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। तो वहीं अब एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार आय और संपत्ति का मूल्यांकन करने में जुटे हुए हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, उदयपुर। चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर आरएसएस ने समर्थन जताया है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इतिहास क्या कहता है, जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है और हिंदू एकता के खिलाफ कई शक्तियां काम करती हैं। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए, तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। और इधर बाड़मेर पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनसे 16 बाइक्स बरामद की हैं। चोरों से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखिए यह रिपोर्ट। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, नर्सिंग स्टूडेंट्स निकले मास्टरमाइंड, मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक्स, 4 शाते चोरों से 16 बाइक बरामद। बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बात
का खुलासा हुआ। चोरी करने वाले गैंग के सदस्य नर्सिंग छात्र हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को डेवलप करके एक गोविंद बिश्नोई जो उम्र 19 साल है और यहाँ का भोलेनाडी का है, गुड़ा मरानी का रहने वाला है और फर्स्ट ईयर में यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नर्सिंग कर रहा है, तो हमारी टीम ने उसको तुरंत उस फोटो के आधार पर दस्तयाब किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 19 से 22 साल के युवा हैं, जो शौक और मौज मस्ती करने के लिए बाइक की चोरी करते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड पर्वत सिंह, गोविंद बिश्नोई, साहिल और जगदीश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 16 चोरी की बाइक बरामद की है। इनका मेन मकसद था मौज मस्ती और अपने समाज में रुतबा दिखाना, और ये जो मेन पर्वत सिंह भाटी जैसलमेर जिले का वो सरगना है, वो सस्ती रेटों पे ये लोगों को जो बाइक चोरी करके बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपियों से कई और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आगाह किया ताकि शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख सके। न्यूज 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके दो कारण हैं। पहला, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम किया। दूसरा, पिछले एक दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन दो कारणों के चलते भारत चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है। There are two reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And you know, this would only happen because the military, was there in very, very, unimaginable conditions to defend the country. And the military did its part and diplomacy did its part. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. I think the combination of all of this has led to where it is. But when Prime Minister and President Xi met at that time, it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. अदर सीमा सुरक्षा बल के पश्चिम कमांड के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जैसलमेर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा किया। अपर महानिदेशक ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रक्षा पंक्ति है। बीएसएफ के अधिकारी और जवान पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात है और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इन जवानों पर न केवल बीएसएफ बल्कि पूरा देश गर्व करता है। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी